बीच ये बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर ये बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है नाटो की सदस्यता पर जोर नहीं है, तटस्थ रुख के लिए राजी है यूक्रेन। लुहांस्क डोनास्क पर भी समझौते पर विचार होगा। घुसपैठ की कोशिश में रूस की स्पेशल फोर्स लगी हुई है। क्रिमिया के रास्ते से रूस खुफिया ऑपरेशन कर रहा है, घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। ये तमाम बातें जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कही है। कीव खार्किव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है यूक्रेन में। तो यूक्रेन में लगातार हवाई हमलों का अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। कीव और खार्किव पर हवाई हमलों के अलर्ट जारी किए गए हैं कि कभी भी यहां पर हवाई हमला हो सकता है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू दिया है अमेरिकी मीडिया को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि नाटो की सदस्यता पर जोर नहीं है हमारा, और हम जो है तटस्थ रुख के लिए राजी है। तो यानी कहीं ना कहीं जो हम कह रहे थे कि यूक्रेन अब बैकफुट पर आता नजर आ रहा है, वो इन्हीं बयानों के जरिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन अब कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार है, और जो शर्तें रूस की तरफ से लगाई गई हैं उन पर बातचीत करने के लिए कह रहा है।